गैस, क्या आपको कंफ्यूजन है आपके प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेके? क्या आप जानना चाहते हो कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और क्या आप कंफ्यूजन में हो कि कौन सा प्री वर्कआउट लेना है मार्केट में, और क्या इट्स सेफ है? चलो इस बात पे छोटा सा वीडियो बताते हैं जहाँ पे मैं आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और ये भी बताऊंगा कि मेरा कौन सा प्री वर्कआउट है जो मैं कुछ ईयर्स से अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करके रखा हूँ, और इट इज माई वन ऑफ द माई फेवरेट प्री वर्कआउट। आई विल शेयर दैट विथ यू सो दैट अगर पॉसिबल हुआ तो यू कैन ऑल्सो एड इन वर्क। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज संजीव। विदाउट एनी बैस लेट्स डू द वीडियो। गाइस, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में, इवन मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें आई विल बी यूजिंग प्री वर्कआउट बिफोर प्री वर्कआउट सप्लीमेंट वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले। सो एक कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट है गाइस, आपने अगर आप थोड़ा इसके बारे में रिसर्च करोगे, बहुत सारे ट्रेनर्स कहेंगे कि प्री वर्कआउट विल बी नॉट सेफ, आप लेना नहीं चाहिए क्योंकि इसके थोड़े डिसएडवांटेजेस भी है। हाँ, इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस भी है। अगर आप एक रेगुलर जिम गोअर हो और आप चाहते हो कि आपके मसल में एक अच्छा पंप आए, आपके वर्कआउट में एक अच्छा बूस्ट मिले और थोड़ा आपका वर्कआउट थोड़ा नेक्स्ट लेवल करना चाहते हो, या यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यस यू हैव टू ऐड ए गुड प्री वर्कआउट इन योर रूटीन। बट अगर आपका गोल एक नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करना है या नॉर्मल वेट मेंटेन करना है, एंड यू आर एक कॉमन पॉपुलेशन के कैटेगरी में आते हो जहाँ पे सिर्फ हेल्थ मेंटेन करने के लिए अगर आप जिम जा रहे हो, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स नॉट सजेस्टेबल टू हैव ए प्री वर्कआउट और एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स। ये तो अब उनके आपके नॉर्मल एक कप ऑफ कॉफी से भी काम हो जाएगा। सो अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन, एक चार पांच एडवांटेजेस बताऊंगा इसके। सो सबसे पहला गाइस, योर फोकस। ये इसमें आपको बहुत सारे नेचुरल स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे कि कैफीन और बेटा अलानाइन जैसे इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि आपको थोड़ा फोकस में हेल्प मिलता है, आप फोकस बढ़ाता है आपके वर्कआउट का। सेकंड एडवांटेज यू कैन से द वैस्कुलरिटी। सो जब आप एक प्री वर्कआउट लेते हो गाइस, उसमें होता है सिट्रोलिन जो एक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर के जैसा, जिसके मदद से यू विल फील द वैस्कुलरिटी ऑन यूर मसल्स। उससे आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आपके ब्लड सेल्स डाइल्यूट होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो में इम्प्रूवमेंट होता है एंड यू विल फील लाइक मोर वैस्कुलर। थर्ड बेनिफिट आई कैन से, इट विल एनहांस योर परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली जब आपका फोकस बढ़ेगा, जब आपको अंदर से बूस्ट मिलेगा और आप अपना वैस्कुलरिटी देखने लगोगे मिरर में, सो ऑब्वियसली ये आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा, आप थोड़े ज़्यादा ही जोश में एक वर्कआउट करोगे इसको लेके। एंड फोर्थ यू कैन से, ये आपकी मसल फटीग को कम करता है, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कैफीन, बेटा अलानाइन, क्रिएटाइन, जिससे कि आपकी आपके स्ट्रेंथ को ना ही आपके स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, एट द सेम टाइम ये आपके मसल फटीग को भी कम करता है, जिससे कि यू कैन गो फ्यू मोर रेप्स या कुछ थोड़ा वेट ज़्यादा पुश करने में आपको हेल्प मिल जाएगा। एंड फिफ्थ यू कैन से, इट इम्प्रूव्स योर ब्लड फ्लो। जैसे कि मैंने प्रीवियस भी कहा है, ये आपके ब्लड सेल्स को डाइल्यूट करता है, जिसकी वजह से कि आपका ब्लड फ्लो में मदद मिलती है, एंड ज़्यादा ब्लड फ्लो, मोर ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड यू विल फील द पम्प इन योर मसल्स। ये थे छोटे चार पांच एडवांटेजेस ऑफ योर प्री वर्कआउट। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है, इसके एडवांटेजेस के साथ साथ थोड़े डिसएडवांटेजेस भी इंक्लूड है, जिसकी वजह से पब्लिक डरती है इसको लेने में। सो इसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज आपके हेल्थ वाइज देखोगे तो हाँ, इसमें क्रिएटिन होता है, सिट्रोलिन होता है और बेटा अलानाइन जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे कि आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, आपका ज़्यादा ब्लड फ्लो होने से इट्स लाइक यू विल फील लाइक हाई बीपी काइंड ऑफ थिंग,
जो ऑलरेडी एक हाई बीपी कंडीशन में है, जिनके जो एक हार्ट कंडीशन में, एक हेल्थ कंडीशन है उनका, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जो आपके ब्लड फ्लो को बड़े एकदम बढ़ा देते हैं, जो आपके हार्ट बीट को भी रेगुलर कर सकता है और आपके बीपी को भी नीचे ऊपर कर सकता है। सेकेंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आई कैन से कि आपको टॉलरेंस एंड डिपेंडेंसी, जब आप प्री वर्कआउट लेने लगते हो उसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे कैफाइन वगैरह होते हैं, कैफाइन इज नोन एज लाइक लीगल ड्रग गाइस। सो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर प्री वर्कआउट लेने लगे हो, योर ब्रेन विल एडिक्ट टू द कैफाइन और ये आपको डिपेंडेंट बना देगा कि प्री वर्कआउट, तो उसके बाद कभी प्री वर्कआउट आप छोड़ोगे। सो कुछ दिन के लिए, कम से कम कुछ दिनों के लिए आप यू विल बी नॉट डूइंग द रेगुलर एक्टिविटी एज यू वर डूइंग प्रीवियसली। थर्ड डिसएडवांटेज यू कैन से इंसोमिया, डिस्टर्ब स्लीप। अगर आप कोई प्री वर्कआउट ले लिए हो जिसमें कैफाइन की मात्रा ज्यादा है, उसका रेशियो बहुत है, जैसे कि 100-200 इज टॉलरेबल, अगर इट्स अबोव 200, 300, 350 एमजी एमजी के प्री वर्कआउट्स भी है आजकल मार्केट में। सो ऐसा कुछ हाई कैफीनेटेड प्री वर्कआउट आपने ले लियो, सो इट ऑब्वियसली इट विल डिस्टर्ब योर स्लीप, आप एक इंसोमिया के जैसा फील होगे। इसलिए प्री वर्कआउट इज नॉट मेंट फॉर इवनिंग जिम गोर्स, ऑलवेज सजेस्टेड फॉर मॉर्निंग जिम गोर्स, जो मॉर्निंग ले लिए और देर विल बी 8 to 9 hours ऑफ गैप टू स्लीप, ताकि वो फ्लेश आउट हो जाए अपने बॉडी। फोर्थ डिसएडवांटेज यू कैन से बहुत सारे अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स। सो बहुत सारे कंपनीज क्या करते हैं गाइस, अपना नाम बढ़ाने के लिए या अपना इफेक्ट ज्यादा बताने के लिए, दे विल ऐड सम इंग्रेडिएंट्स विच आर बैंड, जो बैंड सब्सटेंस भी वो ऐड कर देते हैं एंड दे विल नॉट रिवील इन द इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गो फॉर ए ब्रांडेड काइंड ऑफ प्री वर्कआउट, ना कि आप रेट पे कॉम्प्रोमाइज होकर लोकल काइंड ऑफ प्री वर्कआउट ले लें। फिफ्थ, ऑब्वियसली इट विल बर्डन ऑन योर पॉकेट, क्योंकि कुछ सिचुएशन में मैंने देखा है प्री वर्कआउट विल बी लाइक प्लेसिबो इफेक्ट देता है वो आपको, कि आपने हाँ प्री वर्कआउट ले लिया है, आज मैं कुछ ज़्यादा वर्कआउट करूँगा। ये कुछ सिचुएशन में एक्ट्स लाइक ए प्लेसिबो इफेक्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्री वर्कआउट लेते हो आप, या ऑब्वियसली यू विल फील द डिफरेंस, बट जब आप लेने लगते हो योर बॉडी विल बी हैबिटेटेड एंड वो इफेक्ट बताना कम कर देता है, जस्ट यू विल बी लाइक हैविंग प्लेसिबो इफेक्ट, लाइक फीलिंग कि मैंने प्री वर्कआउट ले लिया आज वर्कआउट ज्यादा करना है। सो इट्स ऑब्वियसली लाइक एक्स्ट्रा बर्डन ऑन योर पॉकेट। तो मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आप एक 1 month या 45 days के लिए प्री स्टॉप इट फॉर फ्यू डेज, डू ऑन योर नेचुरल काइंड ऑफ थिंग, बिल्कुल कैफाइन से उससे दूर हो जाइए थोड़े दिन के लिए, ताकि वो फ्लश आउट हो जाए आपके बॉडी में, अगेन यू कैन इंक्लूड इन योर रूटीन टू अवॉइड द प्लेसिबो इफेक्ट। सो दीज वेर फ्यू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री वर्कआउट। यहाँ पे मैं जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया, मैं आपको मेरा फेवरेट प्री वर्कआउट बताऊंगा, विच इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट सिंस ईयर्स, सो लेट मी शो यू। मैं हमेशा सप्लीमेंट्स एक ही ब्रांड का लेके नहीं चलता हूँ गाइस, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह मिली नहीं है कि एक ही ब्रांड को कंटिन्यू करूँ और एक ही ब्रांड के बारे में बात करूँ। सो आई कीप ऑन चेंजिंग माई वे होने दो, या कौन सा भी सप्लीमेंट होने दो, लाइक मंथ टू मंथ्स आई विल कीप ऑन चेंजिंग एंड आई विल एक्सपेरिमेंटिंग, देखता हूँ कि कौन सी कंपनी कैसा काम करता है ये। सो इसी तरह मैंने प्री वर्कआउट्स भी बहुत सारे लिए गाइस, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी लिए थे, साथ ही साथ इंडियन ब्रांड्स भी ट्राई किया, पर मुझे लगा है कि इट्स नो ऑफेंस बट इंडियन ब्रांड्स में वो लोग कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं जिससे कि इसका स्टिमुलेशन बहुत हार्श हो जाता है बॉडी। मैंने कुछ थोड़े ब्रांड्स से एक्सपेरिमेंट किया था गाइस कुछ दिनों पहले, सो आई एम नॉट गोइंग टू से द नेम्स ऑफ द ब्रांड, बट या जब भी मैंने एक स्कूप एक्सपेरिमेंट के तौर पर मेरे फ्रेंड के पास से लिया, इट वॉज लाइक वेरी हार्श ऑन बॉडी, उसका इफेक्ट जो इंटरनेशनल ब्रांड दे रहे थे उसके उससे कंपेयर करें तो उसका कम्प्लीटली डिफरेंट इफेक्ट था, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड्स या जब आप लेते हो प्री वर्कआउट, स्टार्टिंग यू विल फील लाइक सम इचिंग सेंसेशन, क्योंकि थोड़ा बेटा लाइन वगैरह होता है उसमें, बट उसके बाद दे विल काम एंड दे विल गिव यू गुड बूस्ट। वहीं जो इंडियन ब्रांड्स होते हैं, दे विल यू विल फील लाइक समथिंग, कुछ जली हुई चीज आपने अंदर डाल दी है और आपके शरीर के अंदर कुछ जल रहा है, और यू विल फील द इफेक्ट लाइक स्मोक इज कमिंग आउट फ्रॉम योर माउथ, ईयर्स एंड योर स्किन, सो इट विल बी वेरी हार्श। आई डोंट नो वाई,
मे बी दे विल ऐड सम हार्श स्टिमुलेंट्स यूज करते हैं, या तो कुछ चीजें वो रिवील नहीं करते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स में, बट या इट विल बी वेरी हार्श ऑन योर बॉडी। सो जो प्री वर्कआउट मैं यूज करता हूँ गाइस, वो है आपका केविन लॉरेन का शबुम पम्प। सो इट इज वन ऑफ माई फेवरेट प्री वर्कआउट टिल नाउ। इसका इफेक्ट जब आप लेते हो स्टार्टिंग में, जैसे मैंने कहा है, थोड़ा स्टार्टिंग में ही थोड़ा आपको बूस्ट दे देगा, उसके बाद इट विल काम डाउन, या एंड उसके बाद यू विल बी फीलिंग कंफर्टेबल। और इंग्रेडिएंट्स की बात करोगे तो इसमें 200 mg कैफीन रहेगा, विच इज टॉलरेबल, एंड इट विल बी हैविंग क्रिएटिन, बेटा अलानाइन, अर्जिनाइन। सो उसका लिस्ट मैं आपको एक फोटो डाल दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। और जो इसमें फ्रंट फोटो में इसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े हाई बताएगा, क्योंकि वो 2 स्कूप का कंपेयर करके बताएगा, बट 1 स्कूप से आपका काम हो जाएगा। सो अगर पॉसिबल है यू कैन गो इंटरनेशनल ब्रांड्स, और एल्स जस्ट टेक कॉफी से भी काम चल जाएगा, बट डोंट गो ऑन चीप ब्रांड एंड आपका नुकसान मत पहुंचाइए। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए चीप ब्रांड्स, गो फॉर नेचुरल, और बगैर प्री वर्कआउट के भी करिए, काम हो जाएगा। पर आपका अगर कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज होके कोई चीप ब्रांड पे चलेगा, इट विल शो एडवर्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी। सो गाइस, अगर आपका वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप कुछ भी डाउट है रिलेटेड प्री वर्कआउट के बारे में, यू कैन कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक यू विथ प्रॉपर सजेशन। ओके गाइस, स्टे नेचुरल, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।